तो हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, और रेसिपी में मैं यूज़ कर रही हूँ मैदा और सूजी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्वांटिटी भी दिखाती हूँ। मैदा अगर हम लोग 1 किलो लेंगे या आधा किलो अगर मैदा लिया है मैंने, तो यहाँ पे 1 पाव मैं सूजी मिक्स करूँगी और 1 कटोरी छोटे कटोरी से आटा मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रेसिपी मैं कैसे और क्या बना रही हूँ। तो पूरी रेसिपी देखने के लिए आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। और हाँ, जो भी नए हैं वो चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और बाकी आप सब पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना गाइज। तो बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। सबसे पहले मैं कट कर लेती हूँ मैदे का पैकेट, जो कि मैं पूरा नहीं बनाऊंगी, जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए और जितनी आप लोगों को क्वांटिटी चाहिए आप सब उतना बना सकते हैं। बाकी ये मैदा मैं फ्रेश लेके आई हूँ, तो मैं आधा यूज कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कितना क्या डालना है, तो मैं उतना डाल रही हूँ। आप लोग प्लीज कटोरी वगैरह से भी मेजर कर सकते हैं। तो मैंने सूजी, जितना मैंने मैदा डाला है उसका आधा सूजी डाल रही हूँ। ये वही मेरी सूजी। और हाँ, सूजी आप लोग थोड़ी बारीक वाली लीजिएगा, मोटी वाली अगर सूजी हो तो थोड़ा सा उसको मिक्सी में पीस लेना, ताकि वो ना मोटा मोटा ज्यादा रहेगा तो थोड़ा सा फूलने में दिक्कत होगी। तो मैंने यहाँ पे सूजी और मैदा मिक्स कर लिया है। अब इसमें मिक्स करती हूँ मैं आटा। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है अब आटा भी थोड़ा सा डाला है मैंने। कितना बताऊँ, मैंने इसमें आटा डाला है आधी कटोरी, और कटोरी में भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस कटोरी से मैंने 2 कटोरी लिया है मैदा, 1 कटोरी आटा और इससे 1 कटोरी सूजी मैंने लिया हुआ है। अब इसमें मैं डालूँगी मीठा, आप लोग जितना चाहे उतना रख सकते हैं। मैंने चीनी को पीस लिया है, तो जितना मुझे मीठा चाहिए वो मैंने इसमें चीनी पीसा हुआ है। तो पिसी हुई चीनी से क्या होगा ना कि इसमें ऊपर से फिर पिघलेगा नहीं और अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो मैंने इसमें डाल दिया चीनी पीस के, और टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें सफ़ेद वाले तिल, जो कि देखने में और खाने दोनों में ही हेल्दी और टेस्टी होता है। अब इसमें और 2 चीज जाएगी अभी। अब इसके अंदर डालूंगी, मेरे पास था नहीं पीसा हुआ नारियल, वैसे नारियल को पीस के सूखा वाला जो गोला होता है उसको डाल दिया मैंने। ये भी टेस्ट के लिए डालना बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार आप लोग ये रेसिपी बनाकर देखना गाइस, बहुत टेस्टी बनता है ये। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, और ये मैं वैसे चम्मच से आप लोग डाल सकते हो, मुझे हाथ से ही डालना अंदाजा मिल जाता है। ये मैं घी डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए, देसी घी जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ। इसको पहले मिक्स कर लेंगे। इसको तब तक मिलाना है जब तक कि ये इससे इस तरह से मुट्ठी ना बंधे। ये हमारी ये मुट्ठी बन जाती है, तो थोड़ा सा और मिक्स कर देती हूँ मैं। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा, ताकि इसके पेड़े बन सके, तो हम लोग इसमें पानी मिलाएंगे। दूध भी मिला सकते हैं, लेकिन दूध से क्या होगा ना कि ये बहुत दिन तक नहीं टिकेगा, और 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिकेगा, थोड़ा सा इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। और पानी वाला क्या होगा ना कि आप 1 महीने भी रख सकते हो,
और ख़राब नहीं होगा, इसलिए पानी से ही गूंदेंगे हम। और ये हमारी ये मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब ये बिस्किट खस्ता बनेगा। तो इसमें मिला देती हूँ मैं पानी। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाऊंगी मैं, ताकि बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए, नहीं तो गीला हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी को मिला लेती हूँ मैं। ये हो गया आटा गूंद के मेरा रेडी। इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है। और अब थोड़ी देर इसको कम से कम 10 से 15 मिनट मैं इसको अभी छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट हो जाए, फिर बनाती हूँ मैं। तब तक बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। यहाँ पे हो चुका है 10-15 मिनट से मैंने इसको रख दिया था फूलने के लिए, अब ये फूल चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाथ से इसको, चकला बेलन से भी कर सकते हैं लेकिन मैं हाथ से ही कर रही हूँ। और अब इसको हाथ से इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हम इस तरह से करेंगे ताकि थोड़ा पतला पतला और छोटा छोटा हो जाए। चकला बेलन पे नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने रूम में आ गई हूँ, क्योंकि है बहुत गर्मी तो किचन में मैं खड़ी नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, इस तरह से काट के शेप में हम ऐसे भी काट सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा शेप आएगा। बाकी इस तरह से अब मैं इसको दिखाती हूँ, इसी तरह से हम दबा देंगे इसको पेड़े के आकार में, या फिर कोई भी शेप दे सकते हैं हम इस तरह से करके, और ऐसे पतला पतला सा बिस्किट जैसा, ताकि बच्चों को देने में भी अच्छा लगे। चाहे कोई भी हमारे घर पे आए मेहमान, और उनको ये नाश्ता हम दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है, और एकदम बिस्किट जो बाज़ार से हम बिस्किट लाते हैं उससे तो कहीं बेहतर होगा ये खाने में भी। तो आप लोग अपने घर पर ज़रूर बनाएं। बाकी मैं सारे पहले ये बना लेती हूँ, फिर मैं फ्राई करके दिखाऊंगी आप लोगों को। इस तरह से कोई भी शेप दे सकते हैं हम, गोल या फिर लंबा, कैसा भी शेप दे सकते हैं। किसी चीज पे रख के उसका निशान लगा के भी, जैसे जाली वगैरह वाला टोकरी आता है जो सब्जियां रखने के लिए, उस पर भी हम रख सकते हैं। बाकी हम कहीं भी रख के शेप दे सकते हैं। मैं तो ऐसे ही बना ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, फिर मैं पूरे शेप सारे बना के दिखा देती हूँ। Thank you.
बेटा, मैंने आपके लिए बनाया है ये स्पेशल नाश्ता, खाकर मुझे बताओ कैसा है। अभी गर्म है थोड़ा सा, मैं यहाँ पे मैंने बनाया है, इसको खाकर बताओ क्या है ये। गर्म है ना? मैंने दिया अपने बेटे को खाने के लिए, खाकर बताएगा मेरा बेटा कैसा बना है। अच्छा है, मीठा है, अभी टेस्ट करके देखूं। तो गाइस, जिसको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे वो कमेंट में ज़रूर बताना यस अच्छी है। बाकी जो भी नए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दे और भर भर के कमेंट्स करे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी या फिर कोई भी नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।